और जो कॉलेज रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये अप्रोच रूट जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि बिल्कुल राइट ऑन द हाईवे पे है, और अभी आप देख सकते हैं हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि यूपी में काफ़ी जल्दी इस कॉलेज ने काफ़ी डेवलपमेंट किया है। तो अभी हम लोग आगे से यू टर्न लेकर के आएंगे। यहाँ पे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और बहुत कम समय पे इसने काफ़ी अपना नाम बनाया है, काफ़ी डेवलपमेंट हुई है इस कॉलेज की, और एक तरह से बोले तो डिमांड भी काफ़ी बढ़ा है। ये अप्रोच रोड है और हमारे राइट हैंड साइड पर आप देखिए इनका ट्रॉमा सेंटर, और अब हम लोग पहुँच गए हैं हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के कैंपस के पास में, और अब हम लोग अंदर कैंपस में रिव्यू करेंगे चीज़ों को और फिर आपके साथ में यहाँ की फीडबैक शेयर करेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, गेट माई यूनिवर्सिटी की टीम से मैं रोहन सिंह, आज हम हैं बाबा विश्वनाथ के एरिया में, दैट मीन्स वाराणसी में हैं हम, और वाराणसी से आज हम लोग आपके लिए हेरिटेज मेडिकल कॉलेज की रिव्यू करने आए हैं, एनालिसिस करने आए हैं। जहां तक सिटी से मैं कॉलेज की बात करूं तो लगभग 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कॉलेज है सिटी से, हाईवे पे ये कॉलेज है। अब मैं थोड़ा कॉलेज की बात कर लेता हूं। कॉलेज का जो हॉस्पिटल है जो आप फ्रंट पे आप देख रहे हो, ठीक है, हॉस्पिटल 700 बेडेड हॉस्पिटल है। हमने हॉस्पिटल पूरा विज़िट किया, पेशेंट फ्लो डिसेंट है, आपको सीखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा, हर डिपार्टमेंट में पेशेंट फ्लो डिसेंट मिला है हमें। इसके अलावा अब हम आते हैं कॉलेज की बात करते हैं। ये आप पीछे जो बिल्डिंग ये देख रहे हैं ये एकेडमिक ब्लॉक है कॉलेज का, और जो है बच्चों से बात हुई, एकेडमिक अच्छा है, बच्चे एकेडमिक से खुश हैं, और इसके अलावा 150 का इंटेक है यहाँ पे। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, 7 ईयर्स है ये कॉलेज का, 2015 का एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है। उस हिसाब से जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में वो नहीं है, हमारे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। आप जब कॉलेज इन करते हैं तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ कॉलेज की कैंपस आपको अच्छा लगता है तो आपको एक वाव फीलिंग आती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा इम्प्रूवमेंट है। इसके अलावा जो है बैक साइड में आपको हॉस्टल और रेसिडेंशियल है जो कि यहाँ के प्रोफेसर और यहाँ के फैकल्टी के लिए है। ये कॉलेज का है, मॉडरेट है, ठीक है। जहाँ तक कॉलेज का लोकेशन है, इस पूर्वांचल में ये एक कॉलेज है, इस आसपास में लगभग 100 किलोमीटर के आसपास कोई भी कॉलेज अवेलेबल नहीं है। और हम आते हैं पीजी की बात करते हैं, तो पीजी में 46 सीट्स हैं, लगभग सारी मेजर ब्रांच हैं यहाँ पे अवेलेबल। तो ओवरऑल जो गेट माई यूनिवर्सिटी का फीडबैक है यहाँ पे हमारा, आप जो है जो बजट है उस हिसाब से आप कॉलेज ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शन आप सर्च कर सकते हैं इस कट ऑफ पे, क्योंकि यूपी में इसके अलावा भी अच्छे ऑप्शंस हैं। तो आप जब च्वाइसेस लें यूपी में तो आप थोड़ा सा रिसर्च कर लें इस मामले में, कॉलेज के मामले में। इसके अलावा आप हमारी गेट माई यूनिवर्सिटी की टीम से कॉन्टैक्ट करें कॉलेज के इसके मामले में। सो आज अभी हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट जो हम कॉलेज जा रहे हैं वो आपको प्रयागराज में जा रहे हैं, जो कि आपको यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज है। सो अब हम प्रयागराज में मिलते हैं यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज के रिव्यू के साथ। We'll be right back.